महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सांगली और भिवंडी सीट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आलम यहां तक है कि शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने अपने सहयोगी कांग्रेस को खुली चुनौती दे दी है। सांगली में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में राउत ने साफ कर दिया कि साथ आ रहे हैं तो स्वागत है, नहीं तो आपके बिना हम एक बार मैदान में आ गए तो पीछे नहीं हटेंगे। तो वहीं शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने भिवंडी की सीट पर कांग्रेस के नहीं मानने पर सभी 48 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की चेतावनी दे रखी है। आखिर महाविकास अघाड़ी की लड़ाई क्यों सड़क पर आई, चलिए आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताते हैं और आपको इन सभी नेताओं के बयान भी सुनाते हैं। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटों को महाविकास अघाड़ी की तीन प्रमुख दल यानी कि कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार में सीट बंटवारे की पैंच इस कदर फंसी हुई है कि आम चुनाव के ऐलान के कई दिनों बाद भी तीनों पार्टियां अभी तक फाइनल सीट शेयरिंग यानी कि फॉर्मूला तय नहीं कर पा रहे। कांग्रेस ने अब तक 13, उद्धव गुट ने 21 और शरद पवार गुट ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन मामला अभी कुछ सीटों पर साफ होना बाकी है जिनमें से 5 सीट पर मुख्य विवाद है। सबसे ज्यादा विवाद कांग्रेस के उद्धव गुट के साथ सांगली और कांग्रेस का शरद पवार गुट के साथ भिवंडी सीट पर तीनों सहयोगी एक दूसरे को आंख दिखाने और धमकी देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। 3 दिन के सांगली दौरे पर गए संजय राउत ने पार्टी उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल के प्रचार के दौरान इस सीट पर कांग्रेस के साथ विवाद पर खुली चेतावनी दे दी। राउत ने कहा, साथ आ रहे हैं तो स्वागत है, नहीं तो आपके बिना आगे बढ़ेंगे, हम एक बार मैदान में आ गए तो पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच हमारे संवाददाताओं ने कई नेताओं से बात की, समीर भिसे और अतुल सिंह ने उनके मन की बात भी जाननी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले सुन लेते हैं कि इस पर संजय राउत का क्या कहना है। मग उत्तर प्रदेश, बिहार, बरं का संपूर्ण महाराष्ट्र 48 जागा आहेत, त्याच्यावरती पण अशा लढती करायच्या का? मला वाटत नाही। काँग्रेस हा एक मॅच्युअर समंजस राजकीय पक्ष आहे। मैत्रीपूर्ण लढतीत काय होतं सगळ्यांना माहिती आहे। मैत्रीपूर्ण लढत ही आपल्या विरोधकाला मदत करण्यासाठी केली जाते। रविवारी आम्हाला दिल्लीत पोहोचू द्या, मग पाहू ना, जागांवर चर्चा होणार नाही। करू द्या ना, लोकशाही आहे, जी लोकशाही आम्हाला बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिली आहे। अजून नरेंद्र मोदींनी त्यांच्यावर टीका केल्याबद्दल लोक तुरुंगात टाकतात, माझ्यावर टीका केल्याबद्दल तुरुंगात टाकायचं कोणाला? कोणाला तरी खापर फोडायचं असतं तर फोडू द्या। तो ये तो रही संजय राऊत की बात। अब जानते हैं कि इस पर जितेंद्र आव्हाड ने क्या कुछ कहा है और उनकी चुनावी स्ट्रेटेजी क्या है, फ्रेंडली फाइट पर उनके क्या बयान रहे हैं। मुंबई से सटे भिवंडी में सुरेश मात्रे, ये एनसीपी शरद चंद्र पवार की तरफ से जो पार्टी है उनके कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं और कुछ ही घंटों के बाद एमएमआरडीए ने उनके गोदाम पे कार्रवाई करते हुए उनके गोदाम को तोड़ दिया है। इसके बाद से महाराष्ट्र में राजनीति काफी ज्यादा अग्रसर हो गई है, अग्रेसिव हो गई है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के चीफ व्हिप और विधायक जितेंद्र आव्हाड जी हैं। सर, कुछ ही घंटे जो है होते हैं आपके कैंडिडेट के तौर पर सुरेश मात्रे का नाम ऐलान किया जाता है भिवंडी सीट से और उसके बाद ही एमएमआरडीए का एक्शन हो जाता है, इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? ये कुछ नहीं, द्वेष की राजनीति है। अपने विरोधी दल में जो भी बैठे हैं सत्ताधारी उसके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहता है। ये बदी गंदी मानसिकता है। गणतंत्र में खुले माहौल में चुनाव होने चाहिए, डरा धमका के कोई चुनाव नहीं हो सकता है। और तुम डरा के धमका के लोगों का मन परिवर्तित नहीं कर सकते हो, क्यों? ऐसी कार्रवाई से और खटास बढ़ जाएगी। पहले ही बीजेपी के खिलाफ सरकारी जो एजेंसियां हैं उसका गैर इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं, और कल तो ये जाहिर हो गया है। और मुझे दुख इस बात का है कि ये जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर है ये इस मामले में सरकार के दलाल करके काम कर रहे हैं। आप अपना काम करिए ना, जो किताब में है, जो कानून में है उसके तहत कार्रवाई करिए ना, कौन ना बोलता है। जब बाड़ा मामा के पास सब हाईकोर्ट के स्टे है, आपको मालूम है स्टे है, तो फिर आप ये ऐसा क्यों करते हैं? सर, एक सवाल ये भी है कि अब चूंकि इलेक्शंस के डेट फाइनलाइज हो चुके हैं,
पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार भी करना शुरू कर दिया है, खासतौर पर सबकी नजर महाराष्ट्र के ऊपर है। महायुति की बात हो चाहे महाविकास आघाड़ी की बात हो, सीट शेयरिंग का जो एक फॉर्मूला है सर, दोनों पक्षों की तरफ से अभी तक डिसाइडेड नहीं हो पाया है, चाहे बात महायुति की हो चाहे आपकी हो। सर, भिवंडी सीट को लेकर आपकी तरफ से जो कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं उसके बाद से महाराष्ट्र के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उन्होंने यहां तक कह दिया है कि हमसे बातचीत हुई थी शरद पवार जी के घर पर, पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि विवादित सीटों पर कोई भी जो है कैंडिडेट डिक्लेयर ना हो, और उसके बाद भी ये किया जा रहा है, तो इस बारे में हमारा विरोध है और हम आला कमान से इस बारे में बात करेंगे। चिन्नी थला भी कह रहे हैं कि इस बारे में हमने आला कमान को बता दिया है, आखिरी डिसीजन उनको लेना है। सर, ये कंफ्यूजन क्यों है इतना? होते रहता है, कोएलिशन में सब चलते रहता है, आखिरी तक हर सीट के लिए हर कोई कोशिश करते रहता है। अब ये सर, ये आपको लगता है कि मामला सुलझ जाएगा, क्योंकि बात जो है फ्रेंडली फाइट तक आ चुकी है, उसके लिए नाना पटोले पहले भी कह चुके हैं हम उसके लिए तैयार। ऐसा है, अगर फ्रेंडली फाइट होगी तो 48 जगह पे होगी, फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब नहीं होता है। हमको किसको हराने का है, हमको किसको हराने का है? पूरे देश में सबसे बड़ी का पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस ने सबको भाइयों की तरफ नज़दीक लेना चाहिए। किसी एक भाई ने ज़्यादा खाना खा लिया तो उससे घर मजबूत होने से कोई रोक नहीं सकता ना, घर तो मजबूत ही होगा, लेकिन घर का मालिक कौन है? घर के ऊपर मालिकाना अधिकार कौन दिखाने वाला है? तो ये सब बातों में कोई ये नहीं है। तो थोड़ा सा गुस्सा होता है कार्यकर्ताओं में, वो शांत करने के लिए लीडर लोग बोलते रहते हैं, पर आखिर में ये सब हो चुका है, निर्णय हो चुका है, कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए थोड़ी उलट पुलट बात करनी पड़ती है। सांगली की सीट भी है सर, जो शिवसेना उद्धव गुट के साथ है, फिर आपके साथ ही उनका कांग्रेस का कहना है हमें दबाने की कोशिश की जा रही, इस तरीके के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। कांग्रेस को कौन दबाएगा, इतनी बड़ी नेशनल पार्टी है, 50 साल सत्ता में रह चुकी है, उसको कोई दबा सकता है क्या? आपने भी सर एक स्टेटमेंट दिया जिसमें आपने कहा कि आपने भी लास्ट कितने भी इलेक्शंस महाराष्ट्र में हुए हैं 14 कम से कम आप लोगों ने सीट लड़ी, लेकिन इस बार संख्या 10 पे आ गई है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस को जब आप गठबंधन सरकार और गठबंधन की लड़ाई लड़ते हो तो आपको आगे पीछे करना ही पड़ता है। हमारे 4 चुने हुए विधायक ये थे, लोकसभा के सांसद, हमने 14 सीट लड़ाई थी, लेकिन इस बार माहौल देखते हुए कि सब कुछ हमको सिर्फ हराना है बीजेपी को, हमने अपनी 4-7 सीट काट के दे दी बाहर। जैसे रायगढ़ हमें नहीं लड़ाई थी, अब शिवसेना लड़ाई लड़ा रही है, भंडारा गोंदिया हमने लड़ाई थी, अब कांग्रेस लड़ा रही है, अमरावती हमने लड़ाई थी, अब कांग्रेस लड़ा रही है, नॉर्थ ईस्ट मुंबई हम लड़ाते थे, वो अब शिवसेना लड़ रही है। तो इसका सीधा मतलब है कहीं ना कहीं शरद पवार जी गठबंधन का जो धर्म होता है उसका हर तरीके से पालन करते हैं, और अब टाइम नहीं है, अब लोगों को प्रचार को उतरना चाहिए, लड़ना है, ये कोई आसान लड़ाई नहीं है, बारिश गिरने वाला है पैसे का, और तुम्हारे पास छाता भी नहीं है, ये लड़ाई में ये इतनी आसान लड़ाई नहीं है, सिर्फ लोगों का गुस्सा यही तुम्हारा हथियार है, लोगों के पास पहुंचना यही तुम्हारा हथियार है, तो उसके लिए कम दिन में हो नहीं सकता ना, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। आपको लगता है सर कांग्रेस को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जैसा कि आपने एग्जांपल दिया कि गठबंधन धर्म निभाते हुए आपने 4 सीटें जो है त्याग दी अपने गठबंधन साथियों के लिए, उसी हिसाब से कांग्रेस को भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना चाहिए, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए, इतनी स्टिफनेस सही नहीं? मैं उनको सलाह देने इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन महाराष्ट्र के जनमानस की जो बात है, उसके दिल की जो धड़कन है, उसका जो पल्स है, वो पहचानो महाराष्ट्र क्या चाहता है। और हर राजनीतिक दल को ये समझना चाहिए कि जनमानस को जो चाहिए, जनता को जो चाहिए, वो देने का काम अपन ने करना चाहिए। आपको बड़ी उम्मीद से जनता देख रही है कि एक विकल्प सामने आ रहा है, इस विकल्प के साथ हम चले जाएं। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे
तो जनता हमारे ऊपर थूक देगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के आला नेता सर लगातार कह रहे हैं कि दोनों उनके जो सहयोगी दल हैं उनके आला नेता ही जो है गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। आपने एग्जांपल शरद पवार जी का दिया, लेकिन हमारा शरद पवार जी से बड़ा नेता गठबंधन में है ही नहीं, कोई पूरे गठबंधन में कोई नहीं है। जब गठबंधन का बड़ा नेता कहता है कि चार सीट जाने दो अपनी, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, तो इससे और बड़प्पन क्या कोई दिखाएगा। चलो वापस दे दो, भंडारा गोंदिया वापस दे दो, अमरावती वापस दे दो, ऐसा नहीं होता है। बात महायुति की भी कर लेते हैं, महायुति का मत पूछो, मैं किसी के घर में जाके झांक के देखता नहीं। मुझे सिर्फ बुरा इस बात का लग रहा है कि अजीत दादा जो हमारे पार्टी में पिछले 30 सालों से मैं देख रहा हूँ, जाते थे विधानसभा की लिस्ट बाहर निकालते थे, लोकसभा की सीट बाहर निकालते थे, एकनाथ शिंदे मातोश्री पे बैठते थे उद्धव ठाकरे के बाजू में, 4-5 जन बैठते थे, पूरे महाराष्ट्र की लिस्ट साइन करते थे, दे देते थे। आज 8-8 दिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती दिल्ली में। अजीत दादा को ये भी मालूम नहीं कि 2 लोग बीजेपी ने भेजे हैं और 2 लोग घर के हैं, एक उनकी पत्नी है और एक तटकर रहती है, क्या पाया? एक भरा यानी बिरयानी, चावल, दही, भात, चपाती, भाजी सबका भरा हुआ, और आप ऐसे घर में जाके बैठे हो, ऐसे थाली में बैठे हो कि उसके उस थाली में क्या आने वाला है वो भी आपको पता नहीं। बड़ी बुरी बात है ना। शरद पवार जी जब भी दिल्ली को उन्होंने चुनौती दी तो दिल्ली को उन्होंने सबक सिखाया। यहाँ तो हमारे छत्रपति शिवाजी के वंशज जो है उदयन राजे, वो दिल्ली के घर में जाके 4-4 दिन उनके दरवाजे पे बैठ रहे हैं। ये हमारे महाराष्ट्र का अपमान है। दिल्ली के तख्त को लात मारने वाला शिवाजी हमारा यह बैठे हैं शिवाजी महाराज। दिल्ली हमको कब बुलाए ऐसे आकाश में आंख डाल के, हमने कभी नहीं देखे नेताओं को बैठे हुए, पहली बार देख रहा हूं, और वो भी अजीत पवार। जिसका हक और अधिकार हमने देखा है किस तरीके से वो अधिकार से काम करता था, उसका 1% अधिकार उनके हाथ में नहीं रहा। अपना उम्मीदवार नहीं तक नहीं तय कर सकते। उनका जो उस्मानाबाद का अध्यक्ष है धाराशिव का, सुरेश बिराजदार, वो कहाँ है जरा पूछो उनको। कल के जब उनकी एंट्री हुई उनके अचनाताई की, तो सुरेश बिराजदार कहीं नहीं दिखा, क्योंकि अपने उसको कमिटमेंट दी थी तेरे को टिकट देंगे, बीजेपी ने ना बोल दिया। अगर बीजेपी ही आपको आपकी पार्टी चलाने वाली थी तो आप ये घड़ियाल ये आप ये राष्ट्रवादी पार्टी जाते थे ना सीधे बीजेपी में, कौन रोकता था उन्हें? हमारे घर का सत्यानाश करके क्या सुकून मिल रहा है वो तो बताओ तुमको, क्योंकि तुम्हारे घर में तो खुशी है ही नहीं। पाकिट मारी करके कोई खुश नहीं होता है सर। लेकिन अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कहा जा रहा था महाविकास आघाड़ी की जल्द ही ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें फॉर्मली जो है सी डिक्लेरेशन का कंफर्म होगी, बिल्कुल होगी, कोई चिंता मत करो, बिल्कुल होगी। कब तक रहेगा सर, क्या एक्सपेक्टेशन? आपके सामने मैं सुबह से यहाँ ही बैठा हूँ, बम्बई जाऊँगा तो अपडेट पता चलेगी मेरे, जल्द हो जाएगा ये एक्सपेक्ट कर। बिल्कुल जल्द हो जाएगा, बिल्कुल जल्द। जीतन रावण ने भले ही काफी कुछ सीट शेयरिंग को लेकर नहीं कहा, लेकिन बातों ही बातों में उन्होंने काफी कुछ साफ भी कर दिया है। तो अब अरविंद सावंत ने भी इस मुद्दे पर इंडिया टीवी से बात की, उनकी मनोदशा क्या है आइए सुनते हैं। हमारे साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के नेता और सांसद अरविंद सावंत है। सर सबसे पहला सवाल ये, जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास आघाड़ी में हम सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी देख रहे हैं, सांगली हो भिवंडी हो, इन सीट को लेकर खास तौर पे आपके और कांग्रेस के बीच में सांगली को लेके बिल्कुल हम एकदम एक्सट्रीम लेवल का विरोध देख। मायूती का सवाल क्यों नहीं पूछा? मायूती का सवाल क्यों नहीं पूछा? आघाड़ी के नेता से महाविकास आघाड़ी का सवाल पूछेंगे, मायूती का सवाल क्यों पूछेंगे? महायुति सवाल उनसे पूछेंगे, वो सवाल उनसे, उनकी तो गर्दन कट गई सारी, कटाकट कटा दिए सबको।
वो जो सवाल है, सवाल नाजायज नहीं, सवाल ठीक है, जायज सवाल है, लेकिन वो सवाल के लिए उन्होंने ये भी कहा कि हम अभी दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात करके उसमें तय करेंगे। ये सारे समस्या का निराकरण हुआ है, उनकी कुछ लोगों के मन में रहते हैं। अभी जैसे हमने वहाँ नागपुर रामटेक छोड़ दी, हमने अमरावती छोड़ दी, हमने कोल्हापुर छोड़ दी, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, क्यों नहीं कि भाई शिवसेना ने बड़ा उदार अंतकरण से ये हमारी सीटिंग थी ना, कोल्हापुर में तो दोनों भी सीटिंग है, कोल्हापुर में दो सीटिंग है, रामटेक सीटिंग है, तो इतनी जगह छोड़ने के बावजूद उसका कोई वो भी अप्रिसिएशन आना चाहिए, ये दिलदारी बताइए, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। तो उसको लेकर मुझे नहीं लगता ये बड़ा लंबा चलेगा, छोड़ जाए, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज ही माननीय वडेट्टीवार जी का बयान आया है, ये समस्या निराकरण हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनके बयान उनसे एकदम अलग हो गए। भाई उनके पार्टी में कौन क्या बयान करता है उसके ऊपर मैं अपना बयान क्यों दे दूं? मेरे पार्टी के नेता जब कहते हैं कि ये चीज तय हुई है, खत्म हुई बात, मेरे लिए उसे इतनी सीमित मर्यादा में मैं बात करूं। और खास करके आदरणीय उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जी के बारे में आप कहीं पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी जाओ, वो तो कहते हैं बस अब उद्धव जी बाला साहब ठाकरे के साथ में, और क्या चाहिए आपको। दूसरा सवाल जो है कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, उसमें कई उन्होंने 10 पॉइंट्स रखे हुए हैं, बेरोजगारी को लेकर, भत्ते को लेकर, इन सारी चीजों को उन्होंने उल्लेख किया, लेकिन अब बीजेपी की ओर से सुर आता है कि नहीं ये तो ढकोसला पत्र है, अलायंस ढकोसला पत्र है, ढकोसला है सारा का सारा। जुमला तो नहीं ना आपके जैसा आई जिंदगी भर जुमला और झूठ बोलना, ये तो तुम्हारी नींव है और इमारत भी वही है तुम्हारी, तो उसके ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हो, उल्टा उसका स्वागत करते हैं। बहुत बढ़िया उन्होंने ये जो घोषणा पत्र किया उसको न्याय पत्र जब उन्होंने कहा उसकी मैं ज्यादा सराहना करता हूँ कि पहली बार एक अलग सोच आई कि घोषणा पत्र नहीं न्याय पत्र, अच्छी बात है, क्योंकि शिवसेना वचन पत्र देती है तो वचनबद्ध होते हैं हम, तो ये अच्छी बात है। महाविकास आघाड़ी का इकट्ठा एक घोषणा पत्र निकलेगा, उसमें से शिवसेना ने आपसे तैयारी कर ली होगी, क्या क्या उसमें मुद्दे हो सकते हैं? मुझे लगता है उसमें जो कुछ मुद्दे, ये तो पहली बात ध्यान में रखना है, ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्र की भूमिका, उस राष्ट्र में महाराष्ट्र की भूमिका, महाराष्ट्र के और एक दो मुद्दे हो सकते हैं, बाकी क्या है वो तो राष्ट्र के प्रभाव में होगी ना, तो एक ही साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, नई बात कोई नहीं है। मुझे तो पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगा, कुछ मुद्दे इसके पहले मैंने शिवसेना में आदरणीय उद्धव जी बाला साहब ठाकरे जी के मार्गदर्शन पर उठाए थे, वो आरक्षण से लेकर सभी मुद्दे, आज भी मेरा भाषण देखिए वही मुद्दा उधर आज उनकी न्याय पत्र में आया, उसका स्वागत करता हूँ। और अब इस लिस्ट में है पृथ्वीराज चौहान की भारी, जो एक सीएम भी रह चुके हैं और दिग्गज कांग्रेस नेता भी हैं। पृथ्वीराज चौहान हमारे साथ। सबसे पहला सवाल तो घोषणा पत्र को लेकर ही है, देवेंद्र फडणवीस ने थोड़ी देर पहले कहा है कि ये घोषणा पत्र नहीं कांग्रेस का बल्कि ये ढकोसला पत्र है। देखिए वो विपक्ष वाले तो आलोचना करेंगे ही, लेकिन अच्छा होता है कि कौन से मुद्दे की वो आलोचना करना चाहते हैं, क्या हम बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने वाले हैं, क्या महिलाओं को 1,00,000 रुपए देने वाले हैं, हम जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, कौन से मुद्दे पे उनको लगता है कि ये घोषणा पत्र गलत है, और उनका पर्याय क्या है वो बताएं। एक विचारों पे आधारित चर्चा हो तो अच्छी बात है, इस तरह से हंसी मजाक उड़ाना इसका मतलब चुनाव के बारे में देवेंद्र फडणवीस कोई गंभीर नहीं है। अच्छा होता है कि वो एक एक मुद्दा लेके कहते कि ये सब गलत है, इसके बाद आपके पास पैसे नहीं है, ये करना ठीक नहीं रहेगा, कुछ तो चर्चा कीजिए ना। तो मतलब आपको मुद्दों पे आप चुनाव लड़ना नहीं चाहते, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये जुड़ा हुआ है कि सांगली को सीट को लेकर आप भी आप लोग के बीच में मतभेद है, शिवसेना जो कहती है जो कांग्रेस कह रही है, अभी भी आपके विश्वजीत कदम हुआ नागपुर में बैठक चल रही है कि वो सीट तो सिर्फ सांगली की आपको ही मिलनी चाहिए, कैसे रास्ता निकले? देखिए ये जो इस सीटों का जो बंटवारा हो रहा था उसकी चर्चा में मैं नहीं था, कोई और कमेटी कर रही थी। अब अच्छा होता कि अगर पहले हम सीटों का बंटवारा करके फिर बाद में उम्मीदवारों की बात करते, लेकिन दोनों चीजें अब मिल घुल गई है, तो जो भी सीटों के बारे में विवाद है, देखिए 48 सीटों में से 46 सीटों पे हमने करीब करीब आम राय कर ली है, कोई आसान बात नहीं है। अब महायुति की देखिए उनके कितने भी झगड़े चल रहे हैं,
तो मैं समझता हूँ कि दो सीटों का विवाद है, क्योंकि हमें पहले ही तय कर लेना चाहते कि कौन कौन सी सीट लड़ेगा और उसके बाद उम्मीदवारों का चयन होना चाहता, लेकिन ये उल्टा हुआ, बिल्कुल देर हुई। लेकिन इसलिए मैं उन सीटों में क्या होगा, कौन रहेगा, कौन अच्छा रहेगा, ये हमारी अपनी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ हमारी आग्रह है, लेकिन मैं प्रकट रूप से उससे चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा। ये सवाल जो है वो कांग्रेस हाईकमांड के यहाँ ही तय होगा और वो महाविकास आघाड़ी के जो घटक दल है उनके साथ तय होगा, तो इसे चर्चा करना, मुझे क्या लगता है क्या होना चाहिए, टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि टिप्पणी करना सही नहीं, लेकिन शिवसेना की ओर से ऐसा कुछ नहीं होता, वो आमतौर पर कहते हैं कि सीट हमारी है, हमने जाहिर कर दी है, कांग्रेस को जरूरत ही, कांग्रेस अब पीएम पद को देखे कौन सी सीट पे कौन है इसके बारे में न सोचे, महाराष्ट्र में इतना न सोचे, सोचे कि पीएम उनका बैठ सकता है। देखिए, अगर उस सीट के बारे में कोई अगर कहना चाहता है तो उसको हम कोई रोक नहीं सकते। हमारे भी सांगली के कार्यकर्ता आग्रहपूर्ण अपनी बात प्रकट रूप से कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस जगह में बैठा हूं, मुझे कोई प्रकट रूप से टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। हम अपने अंतर्गत बात कर रहे हैं, हम अपने आलाकमान से हमारी बातें आग्रहपूर्ण बता रहे हैं, लेकिन ये पूरी पब्लिक रूप से इसकी चर्चा हो ना हो तो अच्छा रहेगा। तो सारी चीजें लाके शिवसेना ने सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख दी, लोगों में आप चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि आमराय आप नहीं बना पा रहे, दो सीट 45-46 पे आपने कर लिया लेकिन दो पे आके आप अटक गई है गाड़ी। ये बात सही है कि गाड़ी अटक गई है, लेकिन ये सुलझ जाएगी ना, ये जहां सुलझेगी उसी स्तर पे सुलझेगी, उसके नीचे भी नहीं सुलझेगी और ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। हमारी जो समन्वय समिति दिल्ली में काम कर रही है वो और दोनों दलों के या एक दल के जो शिवसेना के साथ बातचीत हो रही है, तो वो दोनों बैठ के तय करेंगे। हमने ये कहा है कि आप जो भी फैसला करोगे हम कार्यकर्ता मान्य करेंगे। एक सवाल ये भी आ रहा है कि शरद पवार कहते हैं कि अब तो उम्मीदवार बदलने का कोई सवाल उठता नहीं सांगली के मामले में या भिवंडी के मामले में। मैंने कहा कि नो कमेंट्स, मैं कोई उम्मीदवारों के बारे में कौन लड़ेगा क्या लड़ेगा तो प्रकट रूप से नहीं चर्चा करूंगा। सवाल ये है साथ ही ये कि अब जो ये स्थिति बनी है, लगता है कि काडर है जो एक दूसरे को मदद करने वाली स्थिति में रह पाएगा? देखिए, काडर भाजपा को हराना चाहता है, तो इसलिए मदद तो होगी, क्योंकि हमारा उद्दिष्ट, हमारा जो आखिरी हमें जो हल जो जहां पे पहुंचना है वो हमें क्लियर है कि हमको महाराष्ट्र से भाजपा को और देश से भाजपा को हटाना है। तो जो भी भाजपा की ओर से या महायुति की ओर से उम्मीदवार होगा उसको हम पराजित करने का पूरा प्रयास करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे। बीच में जो बात चल जाती है कि फ्रेंडली फाइट, क्या फ्रेंडली फाइट, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपनी ओर से कह दिया है तो फ्रेंडली होगा या तो फाइट होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। फ्रेंडली फाइट को कोई सवाल नहीं उठता, ये सब लोग अपनी अपनी अफवाहें उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ये हम मामला हल कर लेंगे। आला कमान की ओर से, यानी कि आपके कांग्रेस पार्टी हाईकमान की ओर से जो कुछ फैसला होता है, लगता है कि नेता हो, बतौर आप हो, आपके समकक्ष नेता हो और काडर हो आपका, उसे एक्सेप्ट कर लेगा और काम पे लग जाए। देखिए, अगर हमारे हाईकमांड ने अगर फैसला दिया तो उसको कोई उसका विरोध नहीं करेगा, लेकिन हम अब जब हाईकमांड फैसला करता है तो कार्यकर्ताओं से तो बात करता है, वो हो रही बात, लेकिन मैं समझता हूँ कि मामला उलझ जाएगा एक दो दिन में, ताकत से हम चुनाव में प्रचार करेंगे। प्रस्ताव आप लोग क्यों, क्योंकि जो नीचे जो एक कंसेंसस बनता है कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमांड को उस पर तवज्जो करना होता है, ध्यान देना होता है, आपकी ओर से प्रस्ताव जल्द ही जाएगा इन दोनों सीट को लेकर? देखिए, ये कंटिन्यूसली बातचीत हो रही है, प्रस्ताव जाने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि बातचीत हो रही है कार्यकर्ताओं की और आला कमान की, रोज बातचीत हो रही है। आज भी नागपुर में चन्नीथला से बातचीत हुई है, गए हुए आपके कार्यकर्ता विश्वजीत कदम हुए, सब बातें रख रहे हैं। बातें करना तो बात करके तो हल निकलेगा कोई। दूसरा सवाल हम सातारा से जुड़ा करते हैं कि सातारा में आपके नाम की चर्चा चलती है, आपकी तैयारी भी दिखती है, लेकिन बात आके अटक जाती कि किसकी ओर से, पार्टी सिंबल किसका? देखिए, सतारा के बारे में कोई बात नहीं करूंगा मैं, मैंने पहले बिल्कुल क्लियरली पहले कह चुका हूं, इसलिए और कोई चर्चा करना ठीक नहीं रहेगा। मैंने कहा कि सतारा की सीट का मामला ये स्थानिक लेवल का मामला है, ये सीट जो है 1999 से लेकर या कहिए 2004 से एनसीपी लड़ रही है, और अब एनसीपी का बंटवारा होने के बाद एनसीपी शरद पवार गुट का वो अधिकार है, वो जिसे भी तय करेंगे हम स्वीकार करेंगे, इसलिए कोई और चर्चा करने का हमें कोई अधिकार नहीं, हमें करनी भी नहीं चाहिए।
और ये पूछना भी गलत होगा कि कौन खड़ा रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो जो भी घोषणा करेंगे पार्टी के हित में करेंगे, गठबंधन के हित में करेंगे, सीट जीतने के लिए करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन जब बात एक एक सीट की हो रही हो, एक एक उम्मीदवार पे हो रही हो, क्योंकि पूरा मामला जो है चुनाव का इतना टफ है, बीजेपी जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुकी है, लगता है कि सुलझ जाना चाहिए मामला, एक एक सीट को लेकर आप लोग को कशमकश करनी पड़े। बिल्कुल, एक एक सीट महत्वपूर्ण है, 48 में से कौन कितनी सीटें जीतेगा, ये देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अपनी तरफ से सभी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा उम्मीदवार, सक्षम उम्मीदवार चुनाव लड़े, चाहे वो मुंबई की सीटें हों, सांगली की हो या कोई और हो। तो अभी आपने पूर्व सीएम को सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वो कुछ सुना। अब एक एक्सक्लूसिव बातचीत आरिफ नसीम खान के साथ भी, जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट के लेकर जो विवाद है वो अभी भी फंसा हुआ है। एक तरफ जहां महायुति को लेकर बैठकों का दौर चालू है, विवादित सीटों को सुलझाने का कोशिश किया जा रहा है, वहीं महाविकास अघाड़ी में भी खासकर दो सीटों पर मामला अभी भी फंसा हुआ है, जिसमें सांगली और भिवंडी दो सीटें हैं। मामला क्यों फंसा हुआ है, बातचीत कई राउंड होने के बाद भी सुलझ क्यों नहीं रहा है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीम खान जी हैं। सर, सांगली सीट जो हमेशा से पारंपरिक कांग्रेस की सीट रही है, वो सीट पर जो उद्धव गुट है वो अपना उम्मीदवार ऐलान कर चुके हैं, उनके अब चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुके हैं। नाराजगी का लेवल ये है कि आपके जो वहां के इलाके के एमएलए हैं वो दिल्ली तक जा रहे हैं, खड़गे जी से भी मुलाकात कर रहे हैं, अश्योरेंस पे अश्योरेंस दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पे कहीं कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सर, वजह क्या है, कांग्रेस अपने अलायंस पार्टनर्स के सामने चाहे नंबर्स ऑफ सीट का मामला हो, चाहे इस तरीके के दो या तीन सीट हैं जिनको लेकर आप लोगों की मांग अभी भी बनी हुई है, उस पर बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, सहयोगी दल हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वजह क्या? देखिए, पहली बात तो न घुटने टेकने का प्रश्न है, ना कहीं झुकने का प्रश्न है। सवाल ये है कि महाविकास अघाड़ी इंटेक रहे, मिलजुल कर हम महाराष्ट्र में चुनाव लड़ें, जिस अपेक्षा के तहत महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी बनी है। देश की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से इस देश को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लीड ली है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी और हमारे जितने दूसरे भी नेता हैं महाराष्ट्र में, फिर चाहे शरद पवार जी हैं, उद्धव ठाकरे जी हों, बिहार से लालू जी हों या यूपी से अखिलेश जी हों, जितने भी नेता इस इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं, सबकी सोच एक ही है कि देश बचे। सवाल कौन किस प्रदेश में कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा, कितना सत्ता में भागीदारी होगी, प्रदेश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या होगा, क्या आज सब बहस उस पर नहीं है। आज सबके सामने एक ही सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, कि देश बचाने की लड़ाई है, हम सब मिलकर इस देश को बचाएं और उसके बाद जो भी छोटी मोटी बातें होंगी हम लोग बैठकर उसको निर्णय करेंगे, चर्चा करेंगे। रहा सवाल महाराष्ट्र में जो दो तीन सीटों की बात है, कांग्रेस के वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, विधायकों की, सबकी भावना है और कांग्रेस पार्टी सांगली में हमेशा से, सांगली कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट रही है वसंत दादा पाटिल जी के जमाने से, हमेशा हम वहाँ पर जीतते आए हैं। आज भी वसंत दादा पाटिल जी की परिवार के ही उम्मीदवार हमारे पास, ग्रैंडसन उनके हमारे उम्मीदवार हैं पार्टी के पास, और वहाँ के सभी लोगों की इच्छा है कि सांगली सीट कांग्रेस ने लड़ना चाहिए। और जो यह भिवंडी की बात हो या मुंबई में जो एक दो सीटों को लेकर आपस में जो चर्चाएं चल रही हैं, इन तमाम सारी चीज़ों को जो हमारे महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेताओं की भावना है वो दिल्ली आलाकमान को पहुंचा दिया गया है, बता दिया गया है। दिल्ली आलाकमान इस पर बात कर रही है और हमें विश्वास है कि एक दो दिनों में इन तमाम सारी परिस्थितियों के जो पैदा हुई हैं इसका निपटारा होगा और कुछ ना कुछ सोल्यूशन और हल निकलेगा। संजय राउत तो कह रहे हैं सर, फिर से उन्होंने सांगली में कहा है कि जो हमने अपना कैंडिडेट यहाँ पर डिक्लेयर किया है उसको लेकर जो आला कमान है आपके दिल्ली में उनसे बातचीत हो चुकी है, उन्हें बताने के बाद, उनकी रजामंदी मिलने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया है, तो अब जो है जो जिद है कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए, अब चूंकि चुनाव प्रचार का समय आ गया है चुनाव प्रचार में सहयोग करना चाहिए, इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं। देखिए, चुनाव प्रचार में एक दूसरे सभी जगह पे जहाँ जहाँ पहले टफ फेज का चुनाव हो रहा है
सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पार्टी के नेता एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। सवाल सहयोग का नहीं है, सवाल सहयोग तो करेंगे ही करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करना, इसीलिए तो महाविकास आघाड़ी बनी है। अब सवाल है कि जिन मुद्दों को लेकर मतभेद कहीं स्थानीय स्तर पर है, दो तीन सीटों पर, उसका कहीं ना कहीं निपटारा, उसका कहीं ना कहीं फैसला आलाकमान जरूर एक दो दिन में निर्णय ले लेगा, और वो बात चल रही है। जहाँ तक मुझे मालूमात है कि वो दिल्ली के स्तर से महाराष्ट्र के नेताओं, सहयोगी दल के नेताओं से बात चल रही है, एक आध दो दिन के अंदर इसका निर्णय हो जाएगा। यानी सांगली और भिवंडी की सीट पर दावा अभी कांग्रेस का खत्म नहीं हुआ है, ये माना जा सकता? बिल्कुल, सांगली में हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी वहाँ के विधायक, हमारे नेता चाहते हैं कि मजबूती से हम वो सीट वहाँ पर हम लड़ें। मुंबई में भी हमारी एक दो सीटों के ऊपर हमारी चर्चा अभी भी है। हम सबकी भावना है कि मुंबई में भी हमें एक आध सीट और अच्छी मिलनी चाहिए, जो हम खास करके दक्षिण मध्य मुंबई जिसे हम कहते हैं, वो सीट हमारी परंपरागत सीट रही है, वो हमें मिलनी चाहिए। और बाकी एक दो सीटों का विषय है, वो चर्चा चल रही है। कुल मिलाकर दो तीन सीटों के इशू को लेकर जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसको लेकर चर्चा हो रही है, और हमें विश्वास है कि तीन ही दल, चाहे पवार साहब हों, उद्धव ठाकरे साहब हों, या कांग्रेस के हमारे नेता, मिलकर अपने स्तर पर इस पर उचित निर्णय लेंगे। और सवाल कौन सी पार्टी कितनी सीट लड़ रही है, अब सवाल वो नहीं है। सवाल हम सब के सामने है कि हम महाराष्ट्र की 48 की 48 लोकसभा सीट जीतें, यूनाइट होकर लड़ें, एकजुटता के साथ हम मुकाबला करें और सभी सीटें जीतें, और इस देश को बचाने की लड़ाई जो लड़ी जा रही है कई सालों से, उसको हम जीतें और सफल हों। कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है सर? आपको नहीं लग रहा है कि पहले सीट शेयरिंग डिक्लेयर हो जानी चाहिए थी, उसके बाद कैंडिडेट डिक्लेयर होने चाहिए थे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, चाहे शरद पवार उद्धव गुट के ऊपर कह रहे हों कि जो गठबंधन धर्म है उसको नहीं निभाया जा रहा है, नाना पटोले कह रहे हैं कि जो है शरद पवार और उद्धव ठाकरे उन सीटों पे अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करें जिनके ऊपर फैसले नहीं हुए हैं। शरद पवार जी से इस बारे में चर्चा भी हुई, डिस्प्यूटेड सीट पर कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर करने की बात हो चुकी थी, उसके बाद भी हो रही है, तो एक सारा कन्फ्यूजन हो क्यों रहा है सर? देखिए, जहाँ पर इतने सारे दल हों और सब बड़े बड़े दल हों और जहाँ पर सीट शेयरिंग हो, इतना सारा मामला चलता है, तो इस तरह की बातें चलते रहती हैं राजनीति में। इसको कोई बहुत महत्व और बहुत सीरियस लेने वाली मुझे नहीं लगता है कि इसको बहुत ये लेना चाहिए। ठीक है, जब राजनीति चर्चा होती है तो सब अपनी अपनी भावनाएँ और अपनी अपनी पार्टी की परिस्थिति के हिसाब से बातें करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पवार साहब भी बहुत ही हमारे सम्मानित नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, उद्धव जी भी हैं, और सबका लक्ष्य एक है, एक ही लक्ष्य है। लेकिन सर, आपको नहीं लग रहा है दोनों का पार्टियां टूट चुकी हैं, जो रीजनल पार्टनर्स आपकी हैं, आप कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी इस समय महाराष्ट्र में है, एक जो अभी भी एकत्रित कांग्रेस है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दबाने की कोशिश की जा रही है नेगोशिएशन में, कहीं आप कमजोर दिख रहे हैं कि जो आपके जो सहयोगी पार्टी है वो कैंडिडेट्स भी डिक्लेयर कर दे रही है, आपसे एज ले ले रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई न किसी को दबा सकता है, न कोई दब सकता है। लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं उसके तहत राजनीति चलती है, और कांग्रेस उस लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली पार्टी है और उस विचारधारा पर चलने वाली पार्टी रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस का गढ़ रहा है, महाराष्ट्र की जमीन हमेशा कांग्रेस की मजबूत जमीन रही है, और आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस को चाहने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। आपने देखा कि पिछले दो सालों में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी हर उपचुनाव को जीती है, चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो, तो कांग्रेस को चाहने वाले लोगों की संख्या यहाँ ज़्यादा है महाराष्ट्र में। और हम एक जो गठबंधन की राजनीति कर आगे जा रहे हैं, सिर्फ उसके पीछे उद्देश्य है, इस देश में एक तानाशाह सरकार जिस तरह से तानाशाही इस देश में चला रही है, अराजकता पैदा कर रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है, देश की सीमा की सुरक्षा का सवाल आज लोगों के सामने खड़ा है, 10 साल से वादे पे वादा, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, देश की आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर हो रही है, देश कर्जे में डूबते जा रहा है,
250 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा इस देश के ऊपर पहाड़ बनते चला जा रहा है। तो ये सारी चीजों की वजह से ये देश आज खतरे में है और इस देश को बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और उसमें अगर छोटा मोटा कहीं कोई समझौता भी करना पड़े तो कांग्रेस पार्टी करने को तैयार है। आपने फ्रेंडली फाइट की भी बात कही थी सर, तो क्या वो फ्रेंडली फाइट की जो बात है, कंटेस्ट की बात है, वो अब बात बीती हो गई है कि आप अभी भी उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि मुंबई के खासतौर पर जो आप दक्षिण मध्य मुंबई की सीट की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जो उद्धव गुट है उनके कहना है कि हम तो 5 सीट लड़ने के लिए तैयार हैं, हमने मध्य नॉर्थ सेंट्रल जो सीट है वो कांग्रेस को दे दी है, उत्तर मुंबई की सीट है, अगर वो नहीं लड़ना चाहते तो हम वो भी लड़ लेंगे। तो मुंबई में भी आपकी जो संख्या है वो कम दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप एक समय आधे आधे 50-50 पे थे सर। देखिए, सवाल मुंबई और महाराष्ट्र, सवाल जब हम एक कहीं ना कहीं गठबंधन की बात करके चलते हैं, जब गठबंधन की राजनीति करते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें आते रहती हैं। हर पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा कि हर पार्टी ये चाहती है, हर पार्टी का कार्यकर्ता ये चाहता है, हर पार्टी का नेता ये चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ें, लेकिन वो संभव नहीं हो सकता है। तो जब हम गठबंधन में हैं तो हमें अपनी मनस्थिति बनाकर ये रखना होगा कि हमें गठबंधन के इंटरेस्ट में, गठबंधन के स्वार्थ के लिए सारा इंटरेस्ट जो है त्याग क्या कांग्रेस ही करेगी? और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है, त्याग बलिदान की पार्टी रही है, और हम लोग और आज जो परिस्थिति इस देश में बची है, जो बनी है, इस परिस्थिति के सामने इस देश को बचाने की लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी पूरे देश में लड़ रहे हैं, छोटी मोटी समझौता भी अगर कहीं हम लोगों को करना पड़ा है तो हमने किया है, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, आपने देखा। और जहाँ तक आपने फ्रेंडली फाइट की बात की है, तो राजनीति में फ्रेंडली फाइट होते रहता है, बहुत इसके पहले भी बहुत सारी इतिहास हैं, जब जब गठबंधन हुए हैं तो बहुत सीटों पे फ्रेंडली फाइट हुए हैं, लेकिन हम फ्रेंडली फाइट की भी बात नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं कि फ्रेंडली फाइट की बात इसलिए उठी थी कि अगर कोई रास्ता नहीं निकल सकता है तो ये एक रास्ता राजनीति में लोकतांत्रिक तरीके से हो सकता है। लेकिन आपके दोनों सहयोगी कह रहे हैं कि अगर फ्रेंडली फाइट होगी तो सारी की सारी 48 सीटों पर होगी, फ्रेंडली फाइट होने से तो केवल बीजेपी का ही फायदा होगा। ठीक है, बीजेपी का फायदा ना हो ये हम भी चाहते हैं, इसीलिए तो गठबंधन किया गया है, इसलिए तो महाविकास आघाड़ी बनाई गई है। शिवसेना की विचारधारा अलग है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी की विचारधारा अलग है, फिर भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर हमने गठबंधन तैयार किया है महाराष्ट्र में। इसी लक्ष्य को सामने रखा है कि जो आज की जो ताकतें हैं, जो ताकतों से महाराष्ट्र का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, उसको बचाया जाए। तो यही तमाम सारी चीज़ों को सामने रखकर समझौता किया जा रहा है, और हमें विश्वास है कि जो 2-4 सीटों पर मतभेद आज भी बना हुआ है, जो क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है एक दूसरे की, मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर इसका अंत होगा, और कांग्रेस, पवार साहब, उद्धव जी और कांग्रेस आला कमान के हमारे जो नेता हैं हाईकमांड, इसके ऊपर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे, और हम लोग मिलजुल कर महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर 48 की 48 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी मजबूती के साथ। तो अभी तक हमने आपको बहुत से नेताओं के बयान सुना है, इन सभी नेताओं ने सीट शेयरिंग पे बात करी, फ्रेंडली फाइट पे बात करी, और भी काफी सारे मुद्दे उठाए। तो ये थी अभी की चुनाव की खबर। ऐसी तमाम खबरों के लिए, ऐसे तमाम बयानों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।